ए लाइट देना विनय, सर सर लाइट देना, जल्दी ऐसा गिर जाती है। इतना उत्साह और कितना साइलेंस। देखो एक साल की मेहनत है हमारी, तो एक्साइटेड हैं और उम्मीद करते हैं कि हमने जो मेहनत की है सब पूरी टीम ने मिलकर वो सफल हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के किरदार हैं थोड़ा सा बताइए। क्या रहे हैं किरदार? किरदार तो बिल्कुल अलग से है, मतलब हट के है बिल्कुल। किरदार करवाया है डायरेक्टर साहब ने और अच्छा लिखा इन्होंने, बहुत बढ़िया और मुझे मज़ा भी आया करके। एक आप देखेंगे अभी फिल्म देखेंगे, एक थोड़ा टाउन टाइप है थोड़ा सा, राजपाल यादव जी का साथी है वो, दिनेश सिंह जी हैं साथ में, ये सब भी बहुत दिनों के बाद। मैं मतलब एक्चुअली टेलीविज़न काफ़ी किया है, फिल्म बड़े दिनों के बाद की थी, तो शुरुआत अभी यही इन्हीं की फिल्म से शुरू हो रही है, मज़ा आ रहा है। टाइटल भागते रहो, भागो और क्या। देखो कुछ लोग दोस्ती के पीछे भागते हैं, कुछ प्यार के पीछे, कुछ पावर के पीछे, कुछ पैसे के पीछे, कोई किसी को भागता हुआ देख के भागता है, कोई यहाँ वहीं भागता है, कोई सपनों के पीछे भागता है, कोई अपनों के पीछे भागता है, तो इसमें भी भागने की कोई एक वजह है। जैसे पूरी टीम भागती है, दौड़ती है और अपनी मंजिल पर पहुँचती है। ये पूरी तरह आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म, इंटरटेनमेंट मस्ती मजाक, इंटरटेनमेंट 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 पूरा। नहीं नहीं नर्वस क्यों आएगा, नर्वस है, खुशी है, मज़ा आएगा, लोगों जाएंगे देखने, जो मतलब इतनी टेंशन भरी लोग जिंदगी जी रहे हैं, जब ये फिल्म देख के निकलेंगे लोगों को मज़ा आएगा, हंसते हंसते मतलब भागते भागते पर भागते भागते अंदर जाएंगे और हंसते हंसते बाहर आएंगे, इतना मज़ा आने वाला। शूट कर रहे थे, प्रैंक नहीं हुआ, हाँ इन्होंने मेरे को, मैं कभी एक्शन किया नहीं था, मतलब मतलब कॉमेडी सीन ही होते हैं, इन्होंने एक सीन था इसमें आप देखेंगे, मेरे को क्रेन पे चढ़ा दिया था इन्होंने, क्रेन पे जब चढ़ाया ऊपर लेगी क्रेन मेरे को, और जो मेरी हालत हुई है उसके बाद, मतलब और आके मैं जब नीचे आया, मैंने जितने देवी देवता ने सबको हाथ जोड़ दिया, मैं क्या बचा ले भैया आप मेरे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बढ़िया हुआ, करना पड़ता है, मज़ा आया। More than 250-300 theaters. और सारे मल्टीप्लेक्स में फिल्म लग रही है, सबसे बड़ी बात है। और फिल्म अभी तक 250 सिनेमाओं में रिलीज हो रही है और रात को स्क्रीन और बढ़ेंगे। पहले पंजाब नहीं लग रही थी, अभी अभी पंजाब भी कंफर्म हुआ है, क्योंकि आपको पता है 3D 2.0 बहुत स्ट्रांग जा रही है, और एक और इंग्लिश फिल्म भी रिलीज़ हुई है, और महाराष्ट्र स्पेशल में हमारा एक ऑपोजिशन है, एक मराठी फिल्म भी आई है ले भारी, बट वी आर स्ट्रगलिंग, कुछ स्क्रीन्स बढ़ेंगे बट आपको एग्जैक्टली सुबह मालूम पड़ेगा, 250 कन्फर्म। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट को आया आर्टिस्ट को जाइए, आपको क्या विश करेंगे, कल पिक्चर रिलीज हो रही है, 250+ थिएटर पर रिलीज होने वाली है, तो आप क्या इनको विश करना चाहेंगे? गोपी जी शूटिंग छोड़ के आए, बोले आज शूटिंग कैंसिल। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिल्म का जैसा कि नाम है भागते रहो, सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति आज भाग ही रहा है, चाहे मंजिल का ना पता हो, लेकिन अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो हमें मंजिल का भी पता है, रास्ते का भी पता है, तो सभी भागते रहें और जाके टिकट खरीदें, रास्ता भी और मंजिल आपका थिएटर है, तो टिकट खरीद के फिल्म देखें, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि फिल्म आशातीत सफलता प्राप्त करे, और करेगी जिसमें कोई शक नहीं, फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है, ट्रेलर भी मैंने देखा, उसके बाद मैं प्रीव्यू में पहले आया था, काफ़ी अच्छी मूवी बनी है, तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि भागे और फिल्म अवश्य देखें। धन्यवाद। देखिए मैं तो पहले भी ये बात कही थी कि चावल का एक दाना बता देता है कि सारे चावल किस प्रकार बने होंगे, तो वास्तव में प्रफुल्ल जी की जो डायरेक्शन है, इनका जो निर्देशन है, उसकी मतलब प्रशंसा शायद शब्दों में नहीं की जा सकती। शुरू से आखिर तक मैं कहूँ कि फिल्म बांध के रखने में पूरी तरह सफल है, फुल ऑफ कॉमेडी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार की कॉमेडी है, यह फैमिली इंटरटेनमेंट है,
पूरा परिवार इस मूवी को साथ बैठ के देख सकता है। जी खैर मेरा तो भागना जारी है जी, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी कह सकते हैं आप हिंदी में। गुड़गांव से मैं भी भाग के आया हूँ यहाँ पे। और नहीं, मेरी भविष्यवाणी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फिल्म जो है बाकायदा सफलता प्राप्त करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होने जा रहा है, और अगर ठीक होता है तो ये बहुत अच्छे क्लब में शामिल होने जा रही है फिल्म। थैंक यू वेरी मच। You came all the way from Delhi just to visit the team. Yes, you know, I am very much from Mumbai and I am a very dear friend of Praful and Sunil Tiwari, the producer and the directors, and the movie is going to do very, very well because after 9 years this is the first Friday. There's no Hindi release, and efforts of Sunil Tiwari, the producer, and the director Praful Tiwari will show all good results, and it's going to do very, very well at the box office. Do you think thank you. It will be a plus point when you don't have any other release because you're the single one who's getting released in your film? Can you repeat your question? Do you think it's a good sign when you have a single release? There's no other film in front of you, you know, in terms of competition, apart from the content. The content talks about everything. How do you define Bhakti Rao? You must have seen trailer of the film. Yeah, I've seen the trailer of the film. It's a good entertaining film. Thank you, sir. Thank you. Sir, one second. बस आज मैं कह सकता हूँ कि मैं एक्साइटमेंट ओवरलोडेड है और आज मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि अब लोग जो पब्लिक फिल्म हमारी देखें, मैं चाहता हूँ कि अब वो बोले कि मैंने कैसा काम किया है, हमारी पूरी टीम का एफर्ट कैसा है, ये अब वो ही बोलना चाहते हैं। मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहता, मीडिया और जनता बोलेगी ये बस। ट्रेलर का तो रिस्पांस सिर्फ मेरी किरदार का नहीं, ट्रेलर का रिस्पांस पूरी फिल्म का जो वो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मीन्स जहाँ जहाँ भी हमने प्रमोशंस किया है, प्रमोशंस पे हम जहाँ भी गए हैं वहाँ पर ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो अब बस इंतज़ार है कि अब कल जब थिएटर में फिल्म आएगी तो लोग देखें और लोग बोलें कि कैसी फिल्म है। नहीं, उत्तेजना, एक्साइटमेंट उत्तेजना है ना, उत्तेजना से ज़्यादा चेतना में हूँ। जस्ट टू एंजॉय, भागते रहो, और ज़िंदगी के हर पल में हम तनाव लेके जी रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, तो थोड़ा सा खिलखिलाने के पल, कुछ हजारों पल इस फिल्म में हैं। सब कुछ हमने परीक्षा दी है, कॉपियां ये लाखों लोग जांचेंगे। ये कितना सर, ये कितना प्लस पॉइंट होगा आपके आगे कोई फिल्म और रिलीज पे नहीं है? ये बड़ा 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 मुश्किल से मिलता है इस तरह के वीक, और मेरे ख्याल से वीक की भी खींचातानी होती है कि हमें मिल जाए। राइट, लकी वन इज रेडी, ये वहाँ से तय हुआ है वीक, ये सप्ताह तो ईश्वर की देन है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। नाउ सर, यूर्स सर, शुरुआत तो कर। मनीष जी, ही इज स्टार्टिंग न्यू फिल्म विद अ गुड स्टार कास्ट एंड विद माय टीम, एंड यू जस्ट टेल अबाउट दैट। ओनली विद दैट टीम, एंड यू ऑल विल कम टू नो वेरी सून, एंड एज ला रिव्यूज प्रेजेंट्स द मूवी, द ब्रांड एंड बैनर्स ऑफ माय डॉटर, ऑन माय डॉटर्स नेम, आई ब्लेस ऑल माय गुड लक टू माय डॉटर। And the film is going to be a super duper hit with big stars. Okay, okay sir, if you can throw, I still understand, it's too early to talk about, but if anyone you are eyeing, artist you are in talk with, or a female actress you are in talk with, as he said, is right now a big shot. Parinati Chopra. The name of the film will be?
विल लेट यू नो देयर आर टू दी सब्जेक्ट्स एंड हु विल बी अपोजिट परिणीति चोपड़ा सुनील किसको लग रहा है देयर विल बी अ गुड कास्ट व्हिच वन व्हिच वन जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज ओके ऑन व्हाट बेसिस चोरी क्या हो गई This is emotional, comic, love story. Pavanji is our mutual friend. I would just like to introduce Shri Hanika, who is the proprietor of La Reviews, and the who is presenting this movie, and the next movie also is on her brand. The credit all goes to our uncle. Where is Sunil uncle? Yeah. Another uncle with you. Yeah, even him. So all the credit to them. We are not disclosing anything right now, so we'll think about it. Wait for a surprise and it's going to be good. मैंने एक्चुअली इसका ट्रेलर भी देखा, बहुत अच्छा था और मैंने गाना भी सुने तो बहुत ही अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही हिट होना तो बिल्कुल चांसेस है क्योंकि तभी हम आए हैं देखने के लिए और आज इसका प्रीमियर है और जैसे भागते रहो नाम है वैसे ही मेरे ख्याल से सबको भाग कर आना चाहिए और देखना चाहिए और बहुत अच्छा मूवी रहेगी क्योंकि कॉमेडी का अभी ज़माना है, लोग कॉमेडी पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग तरह की कॉमेडी है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा तो सबको आना चाहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू रुक जाना दो मिनट अरे क्यों कर रहे हैं सर दो मिनट तो अकेला सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब भागते रहो जो फिल्म है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही वंडरफुल फिल्म है वंडरफुल फिल्म इसलिए है क्योंकि इसे प्रफुल्ल पटेल डायरेक्टर साहब जो बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और माशाल्लाह बहुत ही कॉमेडी बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है पूरे हिंदुस्तान को हंसाएगी ये फिल्म बहुत ही मस्त फिल्म है और इसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन स्टार हैं जैसे कि श्री राजपाल यादव जी और ख़ास बात यह है इसमें अभिनय करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ बड़े बड़े कलाकारों के साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तिवारी जी ने इस फिल्म को ये रिलीज़ करने में और बहुत सारी मेहनतें डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर जो पीछे की जो मेहनतें होती है वो बहुत बहुत कहते हैं ना कि पानी का जहाज़ बनाना और फिल्म बनाना बड़ी मुश्किल की बात होती है और फिल्म को जनता के सामने लाना जैसे कि आज ये फिल्म का पर्दापण हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के सामने तो मालिक करे ये फिल्म बहुत हिट हो और सभी कलाकार बहुत सुपर हिट हो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी बहुत नाम हो लव यू ऑल थैंक यू सो मच लव यू And I'm a singer and I watched the trailer of this film and it's amazing. It's so funny, you really laugh your head out. And I encourage everyone to go watch the film, Bhagte Raho. It releases tomorrow and it already has 8 million views on YouTube and I'm sure it's going to do really, really, really well. हाई मरीषा वर्मा हियर सो पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी इस फिल्म के लिए भागते रहो टाइटल सीम्स वेरी एक्साइटेड इट्स अ कॉमेडी फिल्म सो वो बहुत अच्छा करे ऑल द बेस्ट फॉर दैट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई नो द टाइटल इज सो एक्साइटेड इट्स फुल ऑफ एनर्जी एंड आई थिंक सो इट्स वेरी गुड थैंक यू सो मच एक्साइटमेंट तो बहुत है काफ़ी टाइम से प्रमोशंस देख रहे हैं शुड बी अ सुपर हिट ट्रेलर कितना पसंद आया ट्रेलर अच्छा था गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म का टाइटल है
किसी के पीछे नहीं, मेरा पति है उसके पीछे. ओके, जैसे कि एक नई फिल्म भी आ रही है बैगर तले, तो क्या हम आगे उसमें देख पाएंगे? फिलहाल नहीं, आगे देखते हैं. आप आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, जिस प्रकार के प्रश्न आप दाग रहे हैं. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो. हाँ, उसे पता लग रहा है कि इस एज में, इस उम्र में आपकी पत्रकारिता निखरती जा रही है. तो बेस्ट विशेष. अरे अरे, कोई वीक बॉस की बात नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, आप आइए सर. आप कहाँ गए होंगे, कितना मिले? दुख और टेंशन की वजह से रात भर ना जागते रहो. दुख और टेंशन की वजह से रात भर ना जागते रहो. अगर टेंशन सताए तो आधी रात को देखो भागते रहो. ट्रेलर कैसा लगा? बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा. जब ट्रेलर ऐसी है तो फिल्म कैसी होगी? मज़ेदार ट्रेलर है, हैपनिंग ट्रेलर है, म्यूजिक भी अच्छा है. सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है. हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की है. तो आपसे हाजिरों के निवेदन है कि जहाँ जहाँ ये फिल्म लगी है वहाँ प्लीज़ जाइए और उसको देखिए, ताकि हमारे प्रोड्यूसर अगली ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाएं. आपको भी मज़ा है और हमको भी मज़ा है. जी, आपको लगता है इस तरह का खर्चा होना चाहिए शादियों में? इसलिए तो मैं गया नहीं. ऐसा फालतू खर्चा चाहो तो मैं जाता नहीं. अच्छा आई सर, आइए. हाँ, ऐसा जहाँ फालतू खर्चा होता पैसों का मैं जाता नहीं. 7-8 लाख में शादी कर देते, इतना महंगा खर्चा कर मैंने इसलिए. हाँ भाई, सही बात है. इतना खर्चा करने से अच्छा है कि वाकई देश के गरीबों को बांट दिया जाता तो खुश हो जाता. कुछ नहीं तो गरीबों को दे जाते, भाई जाकर भागते रहो देख के आओ. 700 करोड़ दे देते, भागते रहो देख के आओ, तो हमारा 700 करोड़ का बिजनेस हो जाता. कोई बात नहीं. सवाल, मोदी 3 इलेक्शन हार चुके हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या कहना चाहेंगे? मोदी अभी जा रहे 2019 में. 100% जा रहे. मित्रो मत रो भाई. देखिए ऐसा है कि मित्रो खाली रुलाया है. मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारत की जनता से कि पार्टी कोई भी आए, रोटी कपड़ा मकान आपको खुद ही खरीदना है, खुद ही करना है. आपके खुद के फीस, खुद की इलेक्ट्रिक बिल, गाड़ी का पेट्रोल अभी को भरना है. तो इसलिए पार्टी कोई भी आए, आप वोट उन्हीं को देना जो देश के भले के लिए काम करे, बाकी अपना काम आप खुद ही करो. हाँ, मेरे मेरे दिल में, मेरे भगवान राम मेरे दिल में है और मेरा दिल एक मंदिर है. सर कैसे? आइए सर. देखिए, हम लोगों की एक्साइटमेंट ये है कि जो जिंदगी मर्रा में लोग करते हैं कि वो यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, इसमें यही चीज़ है कि आप भागते रहो और उम्मीद रखो कि जीत आपकी होगी. ओके मैम, आप कुछ ऐड करना चाहिए? काफ़ी एक्साइटमेंट है, तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट तो रहेगी. न्यू फिल्म है, सो शुभकामना यही है कि सक्सेस ज़्यादा. बहुत ज़्यादा खुशी है. बहुत ज़्यादा खुशी है इस फिल्म की. काफ़ी लंबे समय से कोई कॉमेडी फिल्म आई नहीं थी, और प्रफुल्ल सर का काफ़ी सपोर्ट रहा, जो राजपाल यादव जी के साथ में एक अच्छा किरदार निभाने का मौका मिला, और अभय जी के साथ में बहुत अच्छा मतलब लगा काम करके. बहुत खुशी है और आप लोगों से भी बहुत प्यार और सपोर्ट मिला. जो ये फिल्म, आप लोग जगह जगह जाके थोड़ा प्रचार कीजिए इसका कि हाँ ये फिल्म लगी और काफ़ी टाइम बाद लंबे समय बाद एक अच्छी फिल्म तो वो देखने को मिलेगी ऑडियंस. सर, जैसा कि टाइटल है सर भागते रहो, इस मूवी में सर आप लोगों ने किस चीज़ के पीछे भागते हुए दिखाया? वो फिल्म देखिएगा तो भी पता चलेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा. ये सस्पेंस है, तो सस्पेंस है वो. ये समझिए कि एक जैसे टाइम मशीन होती है, वैसे हंसते रहने की एक मशीन है भागते रहो. मशीन है भागते रहो. मेरा सोता हुआ कैरेक्टर है, मैं पूरी फिल्म में सो रहा हूँ. और मैं हीरो का दोस्त बना हूँ तो उसका उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार उसको मुसीबतों में डाल देता हूँ, लेकिन फिर भी हीरो मुझे अपने साथ में रखता है और एंड में उसको विनर बनाता हूँ.
हमारी फिल्म पूरी एंटरटेनमेंट है कि लोग जल्दी ही जाएंगे तो माशाल्लाह से जितना भी वो तारीफ करेंगे उतनी कम है। खास करके मैं मरसूल तिवारी सर की है ना जितनी भी है ना तारीफ करूं कि हम जैसे थिएटर आर्टिस्टों को उन्होंने चुन के इकट्ठा किया और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है ना मौका दिया। शायद ही बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि सालों में मुझे आए हुए एक साल भी नहीं हुआ था, उन्हीं ने मुझे है ना ब्रेक दिया कि मुंबई आते साथ इतनी बड़ी फिल्म में ऐसे है ना कॉमेडियन स्टार मुझे इस्टेब्लिश किया। तो मैं इनका एहसानमंद हूँ, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा इसमें एक कैरेक्टर है, मैं हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ, मेरा ग्रुप है जो बैंड बाजे का है उसमें मैं हारमोनियम कंपोजिंग कर रहा हूँ और उसी में है ना हम लोग पूरा एंटरटेन कर रहे हैं, पूरी फिल्म में भागते रहो कॉमेडियन ट्रैक। जी हम लोग इनके पीछे भागते चलो, सच्चा आदमी है ये। ये अगली बार भी मेरे इंटरव्यू में आते हो बोल के चले जाते हो। चल चल ओके ओके थैंक यू। आ रहा हूँ दो मिनट में, आप यही हूँ 12 बजे तक चला जाऊँ मैं, यही हूँ भाई। मैं बोल भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, फाइनली आवर वेट इज ओवर, वी वर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दिस फिल्म टू कम आउट एंड इट्स रिलीजिंग टुमारो एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय बिकॉज दिस इज अ फुल कॉमेडी मूवी, सो आई नो यू विल एंजॉय। तो प्लीज़ आप लोग सब जाइएगा और हमारी फिल्म जरूर देखिएगा। सी मैंने अभी तक जितनों को देखा वो ट्रेलर देख के हंसे और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उन्हें ट्रेलर पसंद आया है। गानों की भी तारीफ हुई है, हमारा एक जो गाना है गुम है उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई है, अगर आप नेट पे देखेंगे तो काफ़ी व्यूज़ भी है बिजुरिया, बट गुमू जो रोमांटिक सॉन्ग है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। हमारा एक नया सॉन्ग कल निकला है पार्टी वाला जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है फॉर पार्टी सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। लोगों को गाने भी अच्छे लगे, ट्रेलर भी अच्छे लगे ना हो उन्हें मूवी भी अच्छी लगे। मैं किसी के पीछे नहीं भागती। सर आपसे सवाल है, कल अंबानी की शादी हुई है, अरे हो गई शादी, हो गया तो 700 करोड़ रुपए खर्च किया गया शादी में, आपको लगता है कि इस तरह का खर्चा सही है? भाई है ना उनके पास, तभी तो किया ना खर्च उन्होंने, उनका शादी है और करना चाहिए, करते तो हमें नहीं मिलना के पास है। और पर अभी आप शादी की बात की जगह है, अगर बात करो तो अच्छा है ना, वो भी कर रहे हैं उससे क्यों लिंक कर रहे हैं शादी के लिंक में। मैं फोटो किसी की पूरी फोटो आनी चाहिए, बीच बीच के दो चार दीपक का है, दीपक थोड़ा सा पीछे जाओ मैं तो बेटा चलो एडजस्ट कर लेते हैं। क्या तेरे बहुत ग्रह मिल रहे हैं ओए, कहाँ है अपना वो बेदी 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 बेटा तू था कौन कहाँ से गोलियां दाग रहा है मालूम नहीं पड़ता कुछ। अरे दिखता हूँ मैं, बहुत दिखता हूँ, कम दिखना अच्छा। बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज द टाइटल, इसको कहते हैं हम भागते रहो, जैसे आप लोग भी भाग भाग के यहाँ पर आए हो, मैं भी भाग भाग के यहाँ पर आया हूँ, ये सब लोग भी तैयार होकर भाग भाग के आए। आज जिंदगी में भागना इज बिकम अ सिनोनिमस विद एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हर मोमेंट में आपको, चाहे आपको बाथरूम के लिए भागना पड़ता है या बस के लिए भागना पड़ता है या आपको ऑफिस के लिए भागना पड़ता है, सो टाइटल ऑफ फिल्म इज भागते रहो। और इसको कैसे इन्होंने खूबसूरती से यूज़ किया है वो देखने की ज़रूरत है, और वो एक उसमें से रियल लाइफ की कॉमेडी निकलती है, इन लोगों का आपस का स्ट्रगल निकलता है, और जिसको कुछ चाहिए उसके लिए भी भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, अच्छी फिल्म बनी। मैं देखिए फिल्म के फिल्म जब कंसीव हुई थी, बननी शुरू हुई थी, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे फिल्म के बारे में पता है,
ट्रेलर इसका जो दिखाया गया था, लॉन्च किया गया था, उसमें कुछ चाबी की बात थी, एक कुत्ते की बात थी, एक कुत्ता है रेखा, वो राज खुल जाएगा, वो राज इसलिए मैं नहीं खोलना चाहता, तो वो आप लोग भी भागते भागते देखेगा उसको। देखिए सुनील तिवारी जो शख्स जिसने ये फिल्म बनाई है, उनके भाई जो हैं वो प्रफुल्ल तिवारी जो है जिन्होंने डायरेक्ट किया, ये दोनों मेरे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 25 सालों से जुड़े हुए। उस ज़माने में जब टेलीविज़न नया नया था, उस ज़माने में एक सीरियल बनाई थी जिसका नाम था देवता, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और मैं था, और वो एक सीरियल दूरदर्शन पर आती थी, वो एक बनाई थी हमने, एक मार्शल, एक पैंथर बनाई थी। तो मैं उनको तब से जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म चले। बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस जो होती है हमेशा कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म में उनको ये सक्सेस मिले, फिल्म चले। मैं विजय भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा। सर की बात पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक दी सक्सेस डे स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। ओके कर लीजिए, जस्ट राइट नाउ इट शुड स्टार्ट। हाँ मेरा एक ही शो है जो जिसमें बच्चे पीछे पड़े रहते हैं कि किलविश कब मरेगा, वो उस गांव में जहाँ भी जाओ ये पूछते हैं। सो वी हैव टू ब्रिंग दैट शक्तिमान बैक एंड आई एम ट्राइंग फॉर लास्ट टू ईयर्स थ्री ईयर्स। कमिटमेंट मेरी बहुत बड़ी है, मैं दूरदर्शन पर नहीं आना चाहता, मैं बड़े चैनल पर आना चाहता हूँ। सो बातें चल रही है बट आई हैव टू ब्रिंग दैट बैक और आ रहा है, मैं समझता हूँ इसी 6 महीने में आ जाएगा शायद। चैनल नहीं मिला, वही तो प्रॉब्लम है। चैनल में बड़े बड़े चैनल जो है वो सास भी कभी बहू बनाते हैं सिर्फ तो उनको शक्तिमान नहीं समझ में आता, और उनको बड़े बड़े पृथ्वी वल्लभ बनाते हैं, बड़े बड़े आरंभ बनाते हैं। अरे शक्तिमान को पकड़ो ना, जो जिसमें पूरा हाउसफुल शोभ है, पूरे बच्चे बड़े सब आज जो बड़े हो गए वो भी बोलते हैं सर शक्तिमान लाइए शक्तिमान लाइए। सो आई हैव टू ब्रिंक दैट बैक एंड लेट्स सी कौन सा चैनल फ़ायदा उठाएगा इसका। मैं तो ये उल्टा यही कहूँगा। मैं आपको एक न्यूज़ दे सकता हूँ जो नई न्यूज़ है। शक्तिमान के नाम पर बाल शक्तिमान करके एक एनिमेशन सीरियल आ रही है। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनसे, दिल्ली की पार्टी है, 3D एनिमेशन में शक्तिमान बाल शक्तिमान करके आई थिंक अभी जनवरी से शुरू हो जाए, तो वो सकता है लगता है हमारे से पहले आ जाएगी। दैट विल बी एनिमेशन जहाँ छोटा शक्तिमान के इंस्पायर्ड होके वो कैसे क्या क्या करता है उसके। छोटे शक्तिमान तो बड़ा होगा तो एटलीस्ट आप तो याद कराएंगे। बड़ा शक्तिमान तो ऑलरेडी हाजिर है मेरा, तो मुझे तो देखिए मेरी व्यवस्था ये है पुत्र की, मुझे ही शक्तिमान बनना पड़ा। ये वजन जो आप मेरा कम देख रहे हो, कहीं पूछते सर आप बड़े नहीं होते, मैंने कहा आप लोग क्या बड़े होते रहते हो, मैं छोटे बच्चों के साथ में छोटा होता था। मेरी उम्र कितनी है आपको पता है? मेरी उम्र 160 साल। उम्र कुछ नहीं होती, उम्र वो होती है जो आप देखते हैं, उम्र सिर्फ नंबर है। सो आई हैव टू प्ले शक्तिमान बिकॉज आज भी एक बच्चा शक्तिमान, मैं देश के कोने कोने में गया हूँ शक्तिमान के स्कूल शोज में, कम से कम मैं समझता हूँ सैकड़ों हजारों स्कूल फंक्शन में अटेंड किया, तो इसीलिए मुझे शक्तिमान बनना पड़ेगा। मैं न किसी अक्षय को बना सकता हूँ, न मैं शाहरुख खान को बना सकता हूँ। आई हैव टू बी शक्तिमान बट और एक ही शक्तिमान है। Let's see. Talk about this film, yeah. बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल ओनली तभी करो जब जरूरत है, इसको लाइफ लाइन मत बनाओ। आज का बच्चा इसको लेके बोलता है आई लव यू, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, ये गर्दन के 12 बज जाएंगे आप लोगों के, और आप लोग आँख से आँख मिलाने की आदत खत्म हो गई। वर्चुअल वर्ल्ड में घुस गए बच्चे, जिनको जानते तक नहीं भेजते हैं, और जो सामने बैठा है उसको देखते नहीं है। मैंने एयरपोर्ट पे देखा है हस्बैंड बैठा है, वाइफ बैठी है, हस्बैंड ऐसा कर रहा है, वाइफ ऐसे बैठ गई, टिक 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 टिक, दिस इज वेरी बैड। इसका इस्तेमाल उतना ही करो। मैं इसके लिए एक फेमस डायलॉग आपको राजकुमार का सुनाता हूँ। आप जानते जानी मेरे साथ थे सौदागर में, और वहाँ पर मैंने देखा वो दिलीप साहब वहाँ बैठे, राज साहब वहाँ, मैं यहाँ बैठा, नया नया फ़ोन आया था शायद, और राजकुमार जी उसको उठाएँ ऐसे ऐसे स्टार्ट करें और फिर बात करें लेकिन 2 इंच दूर या, और बाद में बात करके रख देवें, 10 मिनट बाद फिर उठाएं, फिर स्टार्ट करें, फिर बात करें 2 इंच दूर रख के बात करके, हाँ ऐसा ऐसा 3 बार किया उन्होंने। मैंने जब शॉट आया मैंने पूछा, मैंने कहा राज जी आप फ़ोन उठाते हैं, चालू करते हैं, फिर बात करते हैं,
फिर बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर बात करते हैं। अब उन्होंने जो बात कही मैं समझता हूँ आज का हर बच्चा सुनना चाहिए। एज इट इज वो डायलॉग माने में उस्ताद थे, उन्होंने कहा जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। नसी आज हर बच्चा दूसरे के फोन की वेट करता है, फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, वो करते हैं। उनको ये नहीं कि मैं घंटी बजे तो उठाऊं और मैं बात करूं। सो दिस आई थिंक शुड चेंज। आप अंबानी की शादी में गए थे क्या? आपको बहुत अरे मेरे को क्या लगता है तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो, मैंने खुद शादी नहीं की आज तक पुत्र। तो मुझे मत पूछो सवाल ये सब, मैं तो बोलूंगा कुछ मत खर्च करो। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि शादी के बाद में लड़की को नहीं जाना चाहिए, मंदिर में शादी कर लो, लड़की को नहीं जाना चाहिए ससुराल में, लड़के को जाना चाहिए ससुराल में। मैं उल्टा बोलता हूँ। मैं मूवी बोल चुका हूँ अभी, आप अभी आए लगता मेरे ख्याल से, बस अच्छी बनी है। इन लोगों को पूछो ये हीरो है हीरोइन है डायरेक्टर है, पूछ चुके आपसे? नहीं हाँ वो तो पूछ ही लिए। अब आज फिर अभी हम प्रीमियर पे ही हैं, आज प्रीमियर है। मैं विजय भाव का, विजय भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा मैं, बिकॉज अभी तो कुछ नहीं है। वो जैसे कि वोट्स बचे पड़े थे 19 तारीख तक, जयपुर निकलते ऐसे, ये भी फिल्म अभी कुछ नहीं बोलना, अभी आ गई अभी पब्लिक है, फिल्म है और आप लोगों को रिव्यू देना। एक्साइटमेंट तो भरपूर है और चाहते हैं कि फिल्म सुपर हिट हो। और सुनील जी काफ़ी दिन से मेहनत किए हैं ये मूवी में, मैं तो आखिर में आके बाद में इनका सहयोग दिया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो और मैं प्रफुल्ल जी सक्सेस रहे इसमें। यस यस डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ये तो हमारा गुड लक है कि ऐसे टाइम में हमको मौका मिला है। ओके सर, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही इज माय सिंपली पार्टनर। और एक पार्टनर साथी होता है, सुख दुख का हिस्सेदार होता है। और फिल्म बनाने की जो जर्नी है वो अगर तकलीफ दे है तो एक पार्टनर साथ हाथ खींच के ऊपर उठा देता है। ही इज डन इट। थैंक यू। पीछे पीछे लो कैमरा, रोली रोली पीछे ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। लाउड बोलिए। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द मूवी? कमेंट कर दीजिए। सी लेडीज फर्स्ट, पहले श्वेता बताइए। 43 एजेस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एजेस। And who is Charlie's? The two. The duo Charlie's. You know, I believe like, you know, see, this is a beautiful movie and Rakesh Tabrawal ji ne aur Praful ji ne bahut hi pyar se is movie ko banaya hai and I'm so thrilled to be here. Aur maine hamesha dekha hai Rakesh ji like, you know, always promote newcomer, new talent and very content oriented movie. So I'm looking forward for a very good content and very good acting and everything should be very very rocking. So my best wishes for this movie is going to be rocking and I hope Rakesh ji bahut bahut jald apni couple of movies announce karne wale hain. So I'm excited for that also and I'm looking forward to watch the movie. Thank you so much. Rakesh ji is a very dear friend. Shweta too. Rakesh ji is a very dear friend and jaise Shweta ne kaha ki he keeps on giving, you know, a lot of opportunities to new talents and that's what he's done even now. And lot of films in his kitty right now is going to come out very soon. So I'm looking forward to watch the film. Jaise ki naam hai Bhagte Raho, I think puri movie mein bhagna hai. So really looking forward to see it and wish you all the very best, Rakesh ji and Praful. I'm sure it's going to be a great film. All the best to Rakesh ji and Praful ji for Bhagte Raho. Wish you all the best. Okay ma'am, sir aap kya kar rahe hain? सी राकेश जी इज़ अ वेरी एंथुजियास्टिक फिल्म मेकर। मुझे याद है लास्ट ईयर वी मेट, तो ही वॉज बेसिकली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल कर्मा।
जर्नी ऑफ कर्मा एंड ही वॉज क्वाइट एश्योर कि ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी. मुझे आज भी याद है कि उस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और अभी आप ये फिल्म जो भागते रहो जिसके कि आज प्रीमियर पे हम सब लोग हैं डायरेक्टेड बाई प्रफुल्ल तिवारी, आई एम क्वाइट श्योर कि ये फिल्म भी इनकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बिजनेस करेगी. सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने किस तरह का गाने दिए क्या कहना चाहिए सर आपसे? नहीं आप नहीं नहीं आपसे आप मेरे से बहुत कुछ पूछ लिया. आप किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जैसे कि भाई ने बोला कर्मा फिल्म और ये सब बहुत अच्छा बिजनेस किया इन्होंने, भागते रहो, बहुत मेहनत किया क्योंकि मैं इन दिनों इनके साथ रहा हूँ, थोड़ा हमारा भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो देखता रहता हूँ, मेरे साथ कम रहते फ़ोन पे ज़्यादा रहते, अरे वो पोस्टर अरे वो ये. सो इनकी मेहनत है और प्रफुल्ल तिवारी जी ने जो डायरेक्ट किए बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए. हमारा प्रोजेक्ट है कि मैं इनकी अगली मूवी में 7-8 गाने गाने वाला हूँ. तो गाने 5 ही हैं, बाकी 3 का बस रीमिक्स मिला के. नहीं ये सच है कि ये आगे जो काम करने वाले मेरा गाना उसमें जरूर लेने वाला. डेफिनेटली यश हमारी नेक्स्ट फिल्म में गाना गा रहा है एंड ही विल बी डूइंग इट्स प्लेबैक एज वेल एज कंपोजिंग. थैंक यू. दोनों यश करने वाला है. वी आर अनाउंसिंग वेरी सून न्यू ईयर वी आर स्टार्टिंग 3 बिग प्रोजेक्ट्स एंड लेट्स सी व्हाट बेस्ट विशेस. ओके थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. मूवी भागते रहो, आई एम श्योर दिस इज गोना बी ऑसम. एंड जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रफुल्ल तिवारी, उनको बहुत बहुत कंग्रेट्स कहना चाहूँगी. एंड एंड आई वांट टू से एवरीबॉडी डू वॉच दिस मूवी. दैट्स इट. ओके मैम, आप क्या लेना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहिए फिल्म? आई एम सॉरी, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए? शुभकामनाएं विशेस. ओके वेल द मूवी नेम इज भागते रहो एंड द डायरेक्टर इज मिस्टर प्रफुल्ल तिवारी. So yeah, this is a comedy movie, so of course people are gonna watch. I really want that you guys come. Aur dekhiye, of course acha lagega. And what else? I mean, I'm going to watch it, of course, so. Thank you. Thank you. Thank you. Shankar.